हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आवर चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मेहंदी की एक नई डिज़ाइन जिसमें आपकी लाइंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है अगर आप भी इस फील्ड में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि लाइन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते इस मेहंदी की डिजाइन को बनाने के लिए आपको लाइन्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है इसके अलावा भी किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए आपकी लाइन अगर बहुत अच्छे से शार्प होगी तो वो डिज़ाइन उतनी ही क्लियर उतनी ही फिनिशिंग से बनेगी केवल मेहंदी की फील्ड में आ जाने से आप मेहंदी आर्टिस्ट नहीं बन जाते हैं उसके हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से हमें समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है जिसका सबसे पहला स्टेप लाइंस होती है जो कि आपको बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बनाने में हेल्प करती है डिज़ाइन को क्रिएट करने से पहले लाइनों को बहुत अच्छे से हमें सीखना पड़ेगा जिसके लिए जो अपन अभी डिज़ाइन बना रहे हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए डिज़ाइन के साथ साथ लाइन की प्रैक्टिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व लाइन राउंड हर तरह की लाइन होती है जो हमें बनानी होती है किसी भी डायरेक्शन पे लाइंस को हमको चेंज करना पड़ सकता है सिर्फ स्ट्रेट लाइंस बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है लाइनों को सिर्फ सिंपली हम प्रैक्टिस करने में बहुत ही बोर हो जाते हैं तो उसके लिए मैं एक नया डिजाइन लेके आई हूँ जो कि आपके सामने है ये डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो आपको हर डायरेक्शन पे लाइंस को बनाना रहेगा आप देख सकते हैं थोड़ा सा अगर वीडियो को आप स्पीड कम करके देखेंगे तो और अच्छे से ये समझ आ जाएगा और आपके साथ साथ में ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप सिर्फ देख रहे हैं तो ये स्पीड आपके लिए काफ़ी है जो मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ ये मैंने इसलिए बढ़ाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए और आप देख के ये चीज़ समझ पाए कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है अगर आप इसे बना रहे हैं तो इसकी स्पीड कम करके आप देखेंगे और जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको सेम उसी टेक्निक का यूज़ करना है उसी तरीके का यूज़ करना है तो आपकी जो काम का फिनिशिंग का बहुत डिफरेंस आ जाएगा लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं पर वो हम एक बार समझ नहीं जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस भी उतने अच्छे से लाइंस की नहीं कर पाते हैं। हम डायरेक्ट डिजाइन पे फोकस करते हैं हमें मेहंदी के डिजाइन बनाना है हमें मेहंदी बनाना है हमें पूरा हाथ बनाना है ये करते करते हम इतना खो जाते हैं मेहंदी में कि हम कुछ और चीज उसका एक बेसिक पॉइंट भी मिस कर अगर हम डिजाइन की जगह लाइन की प्रैक्टिस करे लाइंस की प्रैक्टिस करे स्केलअप की प्रैक्टिस करे तो उससे हमारा हाथ और शार्प होगा और जिससे हम डिजाइन को बहुत अच्छे से बना पाएंगे एंड ऑफ हमें क्रिएट डिजाइन ही करनी है पर हमें स्टार्टिंग बेसिक से करनी है जो कि स्टार्ट होती है लाइन से ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगने वाली है इस डिजाइन की प्रैक्टिस करने से आपको एक नया कलेक्शन भी मिल जाएगा और साथ ही आपकी लाइंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रहेगी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसको बनाने के बाद मेरे साथ अपना पिक्चर जरूर शेयर करिएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा मेरे साथ करिए अपने सपनों की शुरुआत मेहंदी के डिजाइन को और अच्छे से सीखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए तो ये डिजाइन होने वाला है कम्प्लीट फिंगर्स डिज़ाइन भी हमें बहुत अच्छी बनानी है लिफ्ट डिज़ाइन की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेना अगर लिफ्ट बनाना नहीं आती है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है लिफ्ट बहुत अच्छी बनी चाहिए कोई भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए एंड फाइनल टच हमें देना है टिप्स भी हमें लगानी है भले ही हम एक पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं पर लिफ्ट Uh, के साथ साथ हमें जो टिप्स के डिज़ाइन हैं उसे भी बहुत अच्छे से बनाना है फाइनल लुक आप देखेंगे तो आपको लिटरली अगर आप टिप्स नहीं लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी और अगर आप टिप्स लगा कर उस डिज़ाइन को देखेंगे तो वो कंप्लीट एक आपको लुक uh, देगी तो दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन जितने इम्पॉर्टेंट है उतने ही हमें टिप्स के डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट है तो फाइनल ये लुक रेडी है